तो ये देखिए यहाँ पे हमने जितने भी लोग थे हमने रेन जैकेट पहन लिया, ऊपर नीचे सब, क्या बात है। सिर्फ सीधा जा रहा है ऐसे, और मुझे भी हेलमेट के वाइजर में ना फॉग होके रखा था। आगे डिवाइडर है और सिर्फ सीधा डिवाइडर होके निकलना चाह शॉर्टकट से, बस वो गिरते गिरते बचा। नहीं नहीं मतलब शॉर्टकट नहीं, मरते मरते बचा यार। हेलो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम पेंगोंग लेक। देखिए ऐसा है, इससे पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा कि हम पेंगोंग लेक पहुंचे कहां से, तुरतुक से। और अभी का सीन ये है कि अभी हम यहां से निकल रहे हैं हानले के लिए, जो कि यहां से लगभग 150 या 250 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ है। तो हमें यहां से ऐसे यूं ऐसे निकलना होगा आगे, वो जो पहाड़ी है वहां कहीं हमें ऐसे जाना होगा। जिंदगी में पहली बार मौका मिला हमें पेंगोंग लेक के पास नमाज अदा करने का, क्योंकि आज जुमा था। बगैर खुतबे के जुमे की नमाज तो नहीं हो सकती, लेकिन हमने यहाँ पे जोहर की नमाज़ अदा की और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे नमाज़ अदा करके। और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि एक ऐसे लोकेशन पे हम आकर के नमाज़ अदा कर रहे हैं, जो कि एक तो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है और दूसरी बात ये शानदार नज़ारा, इस तरफ हमने रोक करके नमाज़ अदा किया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं हम हानले के लिए। आज रात हमारा इरादा है कि हानले में स्टे करेंगे, और आज आपको अगर पॉसिबल हुआ तो हानले का नाइट स्काई व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि यहाँ से फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं हानले। ये हमारी बाइक, हमारी GS भैया की, रॉयल एनफील्ड उधर GS और ये R15। ये देखिए पेंगोंग में जो बेड सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा आपको ये लकड़ी का बॉक्स बॉक्स टाइप का बना होता है और ऐसा होता है रूम। ये कितने का आंटी? 1500 रुपये। इसके साथ खाना पीना? खाना पीना अलग से, मेनू का ऐसा। अच्छा अलग से, चलिए। तो अगर आप नहीं तो ठीक ठीक पेंगोंग में आप आ रहे हैं तो रहने का यही सीन है, 1500 रुपये, 1000 रुपये से कम का नहीं है। क्या 1000 रुपये तक होगा? 1000 रुपये तक हो जाता है? 1000 रुपये नहीं, नहीं होता है, 1500 तक होता है। चलिए तो अभी क्या करते हैं कि पेंगोंग लेक के पास यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अभी हम रुके हैं खाना खाने, क्योंकि खाना जो है अभी क्या क्या है बताते हैं, टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो खाना खा के निकलते हैं हानले। ये आ गया हमारा आज का लंच, रोटी और इधर है पनीर। टाइम हो चुका है 3:30 और पेंगोंग लेक को हमने कह दिया अलविदा, और यहाँ से हम निकल रहे हैं न्योमा के लिए या हानले के लिए, दोनों में से कोई एक प्लेसेस है जहाँ पे आज रात हम स्टे करेंगे। और लगभग यहाँ से 206 किलोमीटर का सफ़र है न्योमा, और हानले है लगभग 235 किलोमीटर का। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं टांगस्टे, वहाँ से हम पेट्रोल फिल कराएंगे और उधर से ही रास्ता है हानले का, इधर से भी रास्ता है। हमारे बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम है, इस वजह से हमें यहीं से फिल कराना होगा, क्योंकि उस तरफ पेट्रोल पम्प न्योमा में ही है, और जो हमारे R15 वाले भाई साहब हैं उनके टैंक में सिर्फ 2 पॉइंट पेट्रोल रह गया है। तो ये है पेंगोंग लेक, और इसका लेंथ लगभग 135 किलोमीटर लंबा ये लेक है। 30% हमारे इंडिया में है और 70% चाइना में है। जब आप लद्दाख हैं तो पेंगोंग ज़रूर आए, और हमने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी बाइक से लगभग 2700-2800 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचेंगे पेंगोंग, वो भी इस बाइक से। ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है यहाँ आने का, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दिख रहा है आपको, ये बेडरूम होता है यहाँ पे, बहुत प्यारा प्यारा सा, क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह बिल्ड नहीं कर सकते, इसलिए लकड़ी का या छोटा सा एक छत का यहाँ पे होटल बनाते हैं और लोगों को देते हैं। समझ लीजिए 1000 रुपये से स्टार्टिंग है और 1500 रुपया मैक्सिमम रेट होता है यहाँ का। वाईफाई कनेक्शन मिलेगा आपको, नेटवर्क की कमी है यहाँ पर, नेटवर्क नहीं है फिलहाल। We'll be right back.
जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टांगस्टे और यहाँ पे है पेट्रोल पंप। बारिश काफ़ी तेज़ हुई, अच्छा खासा जो है कि हमें गीला कर गई बारिश। ये रहा पेट्रोल पंप, 103 रुपए लीटर। अब यहाँ से हम भरा लेते हैं पेट्रोल और यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग फालने के लिए। यार यहाँ हर कोई द वर्ल्ड हाईएस्ट ही लगाया हुआ है, द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट। यहाँ पे हमने पेट्रोल फिल करा लिया है, 600 रुपये का पेट्रोल गया इसके अंदर, 5. समथिंग ऐसा कुछ लीटर गया है बाइक में तेल। अब यहाँ से हमें दिक्कत नहीं होगी, हालने उमलेंगे सारी चीज़ें हम कर लेंगे। यहाँ से दो रास्ता कट रहा है, ये चला जाएगा पेंगोंग को और हमें लेना है ये वाला रास्ता जो जाएगा चुसुल को, यही है ना चुसुल का रास्ता। तो चुसुल यहाँ से 82 किलोमीटर दूर है। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा चुसुल, उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे कि आगे अगर वेदर अच्छा होगा और लाइट होगी तो हम आगे और जाएंगे नैना तक। और हमें मालूम चला है कि ये जो रोड है बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा हमें, सिंगल लेन रोड, लेकिन रोड अच्छा मिलेगा। इस तरफ का लैंडस्केप आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, जो पहाड़ है उसमें मतलब ठोस पना ज़्यादा दिखेगा, येलो दिखेगा, और दरिया का जो पानी है वो भी काफ़ी बेहतर दिखेगा, नीले कलर का दिखेगा। सामने का मौसम देखिए, सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है और हमें उधर ही जाना है। उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं होगी और हम खैर खुदी से पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर वेदर अच्छा होता तो हम ज़रूर ड्रोन उड़ा के आपको दिखाते कि यहाँ का जो नज़ारा है कितना शानदार है। एक तो ये पूरा ग्राउंड है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर मवेशी चर रहे हैं तो उस वजह से खूबसूरती जो है और भी ज़्यादा निखर के आ रही है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं है कि हम आपको अभी दिखाएं यहाँ पे। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि बारिश की वजह से हम नहीं चाह रहे कि भीग जाए और हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए हमने ये निकाला है रेनकोट, ये पहन लेते हैं। ये हमने चंदन भैया से लिया रेनकोट, चंदन भैया के पास एक एक्स्ट्रा रेनकोट था तो हमने ये वाले ले लिया। थैंक यू सो मच चंदन भैया, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग थे हमने रेन जैकेट पहन लिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब, क्या बात है। हमने भी रेन जैकेट पहन लिया लेकिन हमारे पास लोअर रेन कवर नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये है इसका टैंक बैग का रेन कवर, बाकी इसका हमारे पास कवर नहीं है, तो ये जो भी चीज़ें हैं भीगेगा। बाकी इसमें जो भी गैजेट वगैरह ये सारा चीज़ इसके अंदर है तो ये हिफाजत में है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं चुसुल। ये क्या कर रहे हैं विशाल, क्या हो गया, बॉडी को हीट कर रहा है क्या? चल कोई नहीं कोई नहीं, कर ठंड इतनी ज़्यादा है कि इसके पास तो मतलब राइडिंग जैकेट भी नहीं है और जो ऊपर से इसने जैकेट पहना हुआ है पूरी तरीके से भीग गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ठंड लगेगी इसको। बारिश अभी रुकी है और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए, हाथ पहले देखिए यहाँ का कंडीशन कैसा हो रहा है और वो देखिए ऊपर स्नो पीक माउंटेन है और बादल बिल्कुल हमारे लेवल में आ चुके हैं, क्या शानदार नज़ारा है ये। चुसुल यहाँ से 36 किलोमीटर और रह गया और सामने का देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खौफनाक लग रहा है ये बादल, हमारी तरफ बढ़ रहा है ये बादल। दोनों हाथ का जो उंगली है वो पूरे तरीके से जम गया है, इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन आज किसी भी हाल में हमें चुसुल तक तो पहुंचना ही है और भयानक ठंड है भाई, भयानक ठंड है।
स्नोफॉल पड़ी है, स्नोफॉल। ये देखिए, अगर आप हमारे टैंक बैग के कवर पे देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे स्नो पड़ रही है। वाह 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 वाह, यही एक चीज़ बाकी रह गया था, वो भी हमने पूरा देख लिया। ये आप देख सकते हैं, ये हल्की 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 स्नो पड़ रही है। भयानक ठंड है भाई, भयानक ठंड है। बस जल्दी से चूसल पहुंच जाए, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे कि आगे हमें जाना है या रुकना है। वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इस वजह से आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। झूले जी 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 हाँ, किधर है होमस्टे? होमस्टे थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। मैं नहीं रखता क्यों तेरा? क्या क्या कह रहे हो? गूगल में सर्च करूँ? हाँ। कितना किलोमीटर नीचे है? देखिए भाई, ऐसा है कि टाइम अभी लगभग 8:30 हो चुका है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं चूसुल। देखिए भाई, ऐसा है कि विशाल का फट के चार हो चुका है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा कि विशाल के अंदर बहुत हिम्मत है एक्चुअली। इसके इसको मतलब जब से ये स्टार्ट किया ट्रिप, तब से बीमार चल रहा है, लूज मोशन भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी, नहीं नहीं हंसने की बात नहीं है, उसके बाद भी इस बंदे ने बहुत हिम्मत दिखाई और यहाँ तक आया है। तो विशाल को मैं नहीं मानता कि यार विशाल मतलब ठीक है यार, पहली बार आया पहाड़ में, ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। मुझे बहुत प्राउड है इसके ऊपर, और उमलिंगला जाएगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो हाँ, कि आते टाइम रास्ते में एक चीज बताना आपको भूल गया कि एक्सीडेंट मतलब दो लोग बच गए, एक तो विकास भैया बच गए, दूसरे हम बच गए। विकास भैया को बताते हैं कि मतलब विकास भैया कम से कम 100 की स्पीड में थे और अचानक मतलब ऐसे ऐसे वाला रोड आ गया। विकास भैया मेरे पास ऐसे ही क्रॉस किए और गाड़ी इनकी देख रही है इतनी इतनी हवा में, मैंने कहा यार विकास भैया बचो। उसके बाद फिर मेरे साथ क्या हुआ कि जब हम माउंटेन पासेस क्रॉस कर रहे थे, तो एक तो मतलब स्नोफॉल पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, और मतलब कि वाइजर में ना फॉग काफी ज्यादा जम रहा था, जिसकी वजह से हमें सामने ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 50-60 की स्पीड में गाड़ी थी और हमें टर्न लेना था ऐसे यूं राइट, और क्या हुआ आगे बताइए भैया, क्योंकि आप पीछे मैं पीछे से देख रहा था, सेफ सीधा जा रहा है ऐसे, और मुझे भी हेलमेट के वाइजर में ना फॉग होके रखा था, मैं मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से मैं चश्मा वाला बंदा हूँ, वो भी खोल के रखा है, राइडर में आ नहीं रहा कुछ, मैं उसका बैक लाइट देख के चला रहा हूँ। तो ये ओके, आगे डिवाइडर है और सेफ सीधा डिवाइडर होके निकलना चाह शॉर्टकट से, नहीं उसे हो नहीं पाया यार, बस वो गिरते गिरते बचा, नहीं मतलब शॉर्टकट नहीं, मरते मरते बचा यार। हाँ, तो मतलब कैसे हम बच गए हमें खुद नहीं मालूम है। अगर वो मतलब डिवाइडर में भी नहीं टकराई गाड़ी है ना, डिवाइडर के एक हाथ मतलब एक हाथ बाइक को रोक लिया, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब 60 की स्पीड में थी और हमें न्यू टर्न लेना था, लेकिन हमने सीधा हम सीधा लेके गए गड्ढे के नीचे और उधर खाई और ऐसे बाउंड्री, मतलब अल्लाह को बचाना था, हम बच गए। तो फाइनली हम लोग चूसुल पहुंच चुके हैं। आज हमारा इरादा था हालने जाने का, लेकिन आपने देखा वेदर कितना ज्यादा, मतलब बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे मतलब स्टे करने का सोचा। तो क्या है कि कल इंशाल्लाह हम उमलिंगला जाएंगे। हालने में ऐसे भी जाकर कोई फायदा नहीं था क्योंकि पूरा क्लाउडी है, तो मतलब नाइट स्काई व्यू जो दिखाना चाहते हम हालने में जाके, वो हम दिखा नहीं पाते। तो चलिए क्या करते हैं कि इसी तरीके से आज के ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और ये हमने चूसुल में, चूसुल नाम है ना, चूसुल में ये हमने कमरा लिया है, 600 रुपये प्रति पर्सन इंक्लूडिंग डिनर है ना, हाँ विथ मॉर्निंग टी। तो ये हमारा आज का स्टे है। तो चलिए क्या करते हैं कि आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज बताना मैं भूल गया कि आज विकास भैया का बर्थडे है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे विकास भैया। थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छी जर्नी चल रही है आपके साथ, बहुत मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से कल के बाद
हम लौटने का प्रयास करेंगे, है ना, इस ट्रिप से। बिल्कुल हाँ, आपके साथ जर्नी करने में बड़ा मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आगे भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, मिलते रहें। जरूर जरूर, चलिए एंजॉय कीजिए, आज आपका बर्थडे है और पार्टी के इंतजार में हम लोग बैठे हैं। Happy birthday.